भारतीय रेल के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगने के कारणों में सबसे अहम है भ्रष्टाचार। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC ने कहा है कि भारतीय रेलवे देश की सबसे भ्रष्ट सरकारी संस्थानों में से एक है। इसमें काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की तो कमाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन भारतीय रेल रोज बरोज खस्ता हाल होती जा रही है। 2010 में कुल 3000 भ्रष्टाचारी अफसरों में एक तिहाई सिर्फ रेलवे के थे। कैग की रिपोर्ट में भी रेलवे का नाम आया। कैग ने रेलवे पर बेवजह 2200 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है। रेलवे के सप्लायरों की लूट लगातार जारी है। हर साल रेलवे गैर प्रतिस्पर्धी तरीकों से सप्लायरों को 16400 करोड़ रुपए का काम देती है। जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा कीमतों पर दे दिए जाते हैं। सप्लायरों की मिलीभगत से भारतीय रेल को हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। भ्रष्टाचार रेलवे में हर स्तर पर फैला हुआ है। इसे समय रहते खत्म नहीं किया गया तो इसका भी हाल एयर इंडिया की तरह हो जाएगा, और रेल के लिए अलग बजट होने के बावजूद इसे बेल आउट के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाना होगा। राजीव रंजन, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली।